शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साईं, बचपन में मैंने घर त्याग दिया, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? कुछ करिए साईं, साईं आपके भरोसे छोड़ा था, कुछ कीजिए साईं, कुछ कीजिए, बचा लीजिए साईं, ने बचा लीजिए। मामा, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा माधव को। लगता है इस बार देर हो गई हमें। पानी में पैर डुबोने से अब क्या फायदा होने वाला है? उसकी सांसें चल रही है ना धड़कन। जहर अब शरीर से पूरी तरह निकल चुका है। पानी ने शरीर में फैले पूरे विष को खींच लिया है। साई, लेकिन इनकी सांसें तो अभी भी बंद है। डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। श्यामा,
श्यामा उठो। से पहले शरीर से जहर का निकलना जरूरी था। यह तुम्हारा नया जीवन है, इसलिए नया नाम भी दे रहा हूं, श्यामा। श्यामा आज से लोग तुम्हें इसी नाम से जानेंगे। पहले लोग सुबह सुबह मुझसे आशीर्वाद लेने आते थे, उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। आज कोई आया नहीं। शायद इसलिए नहीं आए होंगे स्वामी जी, क्योंकि सभी लोग वो जो गांव के बाहर वाला खंडर है ना, उसमें रात भर भजन कर रहे थे। अब किस लिए भजन कर रहे थे ये मैं नहीं जानता। शिरडी की हवा कुछ बदली बदली सी लग रही है। जिसकी श्रद्धा और भक्ति थी मुझ पर, वो भी मुझसे भेंट करने के लिए नहीं आए। हरिओम। उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया है किसी ने देवीदास जी। स्वीकार कीजिए। प्रणाम। खुश रहे। किसने किसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया? मालसापति और अप्पा पाटिल जैसे लोग कम है क्या शिरडी में, जो आपको मानते थे लेकिन इन दिनों उस पाखंडी के भक्त बन चुके हैं वो, और उस पाखंडी का नाम है साई। कल कोई मुझे बता रहा था उसके बारे में, लेकिन आपके रहते भला कोई पाखंडी किसी को अपना भक्त बनाए, ये कैसे हो सकता है? तर्क से लड़ सकता हूं मैं देवीदास जी, लेकिन काला जादू उससे कैसे लड़ूं? इतना सिद्ध नहीं हूं मैं। न जाने उसने कैसे सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया है लोगों पर। स्वयं को साधु कहता है साधु, और लोग मान भी जाते हैं। कफनी पहनने से, भिक्षा मांगने से कोई साधु बनता है क्या देवीदास जी, आप ही बताइए। और तो और लोगों का उपचार करता है, पता है कैसे? राख से। कहता है किसी भी औषधि से शक्तिशाली है उसकी उदी। अरे और वशीकरण से वशीभूत लोग मान भी जाते हैं। सर्वे सर्वा बन बैठा है शिरडी का देवीदास जी, वो आप ही है जो सबके समक्ष उसके पाखंड का भांडा फोड़ कर सकते हैं। अरे ओ, अगर वो सच में पाखंडी है तो उसके लिए शिरडी में कोई जगह नहीं, परंतु इसकी सत्यता का पता मैं स्वयं लगाऊंगा।
रुको, कहाँ चल दिए सबके सब? द्वारिका माई, अध्यापक मर गया क्या? साई ने माधव की जान बचा ली है, उसे नया जीवन दिया है और नया नाम भी, श्यामा। साई, गई भैंस पानी में, इससे पहले सरकार को कुछ पता चले हमारी भागने में ही भलाई है अंता जी। हाँ पंता जी, चलिए गांव छोड़ ही देते हैं। चलिए। सोई नहीं अध्यापक जी, आपके लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से। मैं आपके एहसानों का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मेरी बेटी की जान बचाई। हम सब किस्मत वाले हैं कि आप जैसा अध्यापक हमारे गांव में है, जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा कभी नहीं छोड़ा। अब हम गांव वालों को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम गरीब हैं लेकिन किसी तरह अपना पेट तो पालते हैं ना, तो फिर हमें बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना चाहिए। सही कहा तुमने, हमारे बच्चों को कोई मुफ्त में क्यों पढ़ाएगा और कब तक? हम सब गांव वालों को मिलकर ये तय करना होगा कि अध्यापक जी को नियमित रूप से मेहनताना मिलता रहे। इसके लिए पहल हमें ही करनी होगी। अध्यापक जी जहाँ रहते थे वो मेरा घर है, वो कुलकर्णी सरकार के पास गिरवी पड़ा है। क्यों ना हम सब गांव वाले मिलकर उसे छुड़ा लें, ताकि अध्यापक जी अपना विद्यालय पुनः उसी जगह शुरू कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा श्यामा, पहले तुम कुलकर्णी सरकार के मुलाजिम थे, पर आज गांव वालों ने गांव के विद्यालय का अध्यापक नियुक्त किया है तुम्हें। स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं, आने दो उन्हें। चरण स्पर्श करो जी, रहने दो, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा प्रेम होता अगर तुम लोगों के दिल में, तो बिना बुलाए आ गए होते। शोभा यात्रा में तुम लोगों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमने तो आपको देखा तक नहीं। अगर आपने हमें देखा था तो ये जरूर देखा होगा कि हम अपने साथ किसी को लेके जा रहे थे। वो अध्यापक जी थे, उन्हें बिच्छू ने काट लिया था और इसलिए जल्द से जल्द हमें द्वारका माई पहुंचना था, क्योंकि साई उन्हें ठीक कर सकते थे। और फिर वहां पहुंचने के बाद साई ने हम सबको पूरी रात भर वहीं रुकने को कहा। मतलब साई उपचार करता ये तो स्पष्ट हो गया, लेकिन कुलकर्णी तो कह रहा था कि साई काला जादू करता है, ये मुझे मालूम करना होगा। खैर जाने दो, तुम लोगों को बुलाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि मारुति मंदिर में मैं फिर से रामायण का पाठ शुरू करना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे मैं पहले किया करता था। मेरे ना रहने पे तुम लोगों को कमी खलती रही होगी ना। वैसे साई हर एकादशी को वहाँ भजन कीर्तन करते हैं और गांव के सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। अगर रामायण पाठ भी होगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम साई से बात करते हैं और फिर बारी बारी कीर्तन और रामायण पाठ दोनों कर सकते हैं। साई साई साई, अब मारुति मंदिर में पाठ करने के लिए उसे पूछने की आवश्यकता पड़ेगी तुम लोगों को। अब उसकी आज्ञा के बिना मैं रामायण का पाठ भी नहीं कर पाऊंगा। आजकल तुम्हारे जीवन का हर फैसला, हर छोटा बड़ा निर्णय वो साई लेने लगा है। जो कुछ समय पहले ही शिरडी में आया और जो शिरडी का है भी नहीं,
गुरुजी, याद है आपको वो बाली होगी जो बरसों पहले ध्यान अवस्था में नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला था? ये वही बाली होगी है गुरुजी। कुलकर्णी उसी समय से तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि साईं पाखंडी है और तुम लोगों के सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। साईं कहेगा तो करोगे और साईं नहीं कहेगा तो नहीं करोगे। ऐसा नहीं है गुरुजी, साईं हमें कुछ करने से रोकते टोकते नहीं है। उनसे एक बार जो मिलता है बस उन्हीं का होके रह जाता है। आप भी उनसे जब मिलेंगे ना, आपको भी यही एहसास होगा गुरुजी। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेड़ा पार लगाया है उन्होंने। भक्तों को सही राह दिखाते हैं, मुफ्त में इलाज भी करते हैं। कई चमत्कार किए हैं उन्होंने गुरुजी, लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई है, वाणी से दीपक जलाया है उन्होंने, और उदी से न जाने कितने रोगों को दूर भगाया है साईं ने। ऐसे हैं हमारे साईं। तुम लोगों के बारे में कुलकर्णी गलत नहीं कह रहा था। ये लोग उसका काला जादू देखकर चमत्कार मान बैठे हैं। अब तो साईं से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोग शिरडी में नहीं रह सकते। सरकार, दोपहर से तरह तरह के दंड भुगत चुके हैं हम, अब ये क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारी सजा भी शुरू भी नहीं हुई है। उसने हमारी गलती क्या चीज उतारी? वो बिच्छू ने उसे अच्छे से नहीं काटा तो यही चूक हुई बिच्छू से, इसलिए बिच्छू को अभ्यास की आवश्यकता है। अरे ओम, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं उन्हें पोषित करने से क्या लाभ? ऐसे लोग काम की न काज के दुश्मन नौच के। हो सकता है माधव के भांति इनको भी नया जीवन मिले जो इनके लिए सार्थक सिद्ध हो। बिच्छू, ये क्या हो रहा है? क्यों आ गई बाहर केशव को लेकर? मैंने मना किया है ना इसे बाहर आने के लिए। वो मैं केशव को ग्रह तारों के बारे में पढ़ा रही थी, वही दिखाने के लिए मैं बाहर लेकर। अरे अब जाओ अंदर, ग्रह तारे दिखा रही है कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ। कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। जी गुरुजी। बहुत दिनों के बाद खंडोबा मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। जब मैं वहां पूजा करता हूं तो पूरी शिरडी इकट्ठा हो जाती है। राम जी भला करें। सोचा नहीं था सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाएंगे। लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। गुरुजी आप? प्रणाम गुरुजी।
तो तुम साईं हो। सुना है कि ये शिरडी वाले तुम्हें भगवान का दूत और अपना मसीहा मानते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी मेरे पूजा का समय है। पूजा तो कहीं भी की जा सकती है, यहीं पर पूजा कर लीजिए। यहां? यहां कहां? आसपास तुमने कोई मंदिर बनवाया है? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसने हर जगह मंदिर बना रखा है। वो तो इंतजार करता है इस बात का कि कोई उसे सच्चे मन से याद करे, श्रद्धा से याद करे। तो बस पूजा कहीं भी हो जाती है। सिद्धांत अच्छा है, लेकिन तुम जैसों के लिए जिसका कोई दीन धर्म नहीं है, सही कह रहा हूं ना मैं? हिंदू हो भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। कहां से आए हो, कौन हो तुम? लेकिन मैं देशस्थ ब्राह्मण हूं। शास्त्रों में पूजन की जो विधि बताई गई है, उसी के अनुसार मैं पूजन करता हूं। क्या शास्त्रों में ऐसी किसी जगह के बारे में लिखा है जहां भगवान ना हो? ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हर जगह है, और जहां भगवान का वास होता है वो जगह मंदिर है। वहां जहां आप खड़े हैं, यहां जहां मैं खड़ा हूं, हर जगह मंदिर है। इसलिए पूजा किसी भी स्थान पर की जा सकती है, ना धर्म ना जाति। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि ब्राह्मण का होना और उसके ज्ञान का होना महत्वहीन है? जिस तरह से सदियों से पूजा पाठ यज्ञ हवन होते रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शुद्ध मन से भगवान को याद कर लो तो पूजा हो जाती है, है? तो तुम्हारे अनुसार किसी को पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो इंसान के रूप में जन्म लेता है, या तो वो नर होता है या नारी। वो जिस घर में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसका धर्म निर्धारित कर दिया जाता है। ये ईश्वर का नहीं, इस समाज का बनाया नियम है। समाज की संरचना के अनुसार काम करने वालों को चार वर्ग में विभाजित किया गया था, परंतु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसे ऊंच और नीच का आधार बना लिया। लेकिन उच्च जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति यदि नीच कर्म करे तो उसे नीच ही कहेंगे लोग, और यदि नीची जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति उच्च कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे, तो लोग उसे संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं उसे। अर्थात मनुष्य का कर्म ही उसकी जाति निर्धारित करता है। तो कर्म के आधार पर बात कर रहे हो, तब तो तुम्हें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समाज में सबसे ज्यादा शिक्षित और ज्ञानी ऊंची जात के लोग होते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। ज्ञानी वो है
जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। सारे विषयों पर तुम्हारे विचार अद्वितीय हैं। अगर ज्ञान का मूल कर्तव्य पालन है तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सेवा। ओम साई। सब सेवा करेंगे तो कमाएगा कौन? यही कारण था कि जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हम अपना कर्म करते हुए भी तो सेवा कर सकते हैं। एक ग्वाला दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, परंतु अगर वो बिना मूल्य लिए किसी को थोड़ा सा दूध दे दे तो ये सेवा ही तो है। एक किसान अपनी उपज में से अपनी जरूरत का भाग निकालकर बचे हुए में से कुछ भाग अगर किसी भूखे को खिलाता है तो ये सेवा है। अगर उस परमात्मा ने आपको आपकी आवश्यकता से अधिक दिया है और आप उसमें से कुछ भाग किसी जरूरतमंद को देने के लिए तत्पर हैं, फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो या फिर श्रम, किसी दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं तो ये सेवा ही है। और ये सेवा इंसान की सेवा नहीं, उस परमात्मा की सेवा है। यदि सब ऐसा करने लगे तो किसी को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान का पूजन ही नहीं करेगा, कोई धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, लोग धर्म को भूल जाएंगे और नास्तिक लोगों की भरमार हो जाएगी, और भगवान को ना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आपने कहा नास्तिक सबसे बड़े पापी है, परंतु क्यों? उसे भी तो उस भगवान ने ही बनाया है। सच तो यह है कि अक्सर हमें नास्तिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें सच का आईना दिखाते हैं। लोग अक्सर पूजा स्थलों पर जाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं ताकि उनका आराध्य प्रसन्न हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। अक्सर ये दान भूखे व्यक्ति को खिलाने के काम आता भी है, परंतु सोचो जब ये दान एक नास्तिक करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है। वो ये दान अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता, अपनी मनोकामना के पूरे होने के लिए नहीं करता। सोचो जब ये दान निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है तो ये दान सबसे बड़ा दान है या नहीं? अद्भुत। स्वामी जी के साथ मैंने देश भ्रमण किया, लोगों के शास्त्रार्थ सुने मैंने। सभी ज्ञानी शास्त्रों में दी गई बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया। साईं, बचपन में मैंने घर त्याग दिया,
पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है, बस एक इच्छा है भगवान को देखने की। मैंने अपने स्वामी जी की सेवा की, पूजा पाठ यज्ञ हर कर्मकांड में उनका सहयोगी रहा, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? अहंकार, जिस पर तुमने अपना पैर रखा है कमल है वो कमल, विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया जाता है ये। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं इन्हें उठा भी नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम कमल के फूल पर पैर रखकर ऐसे ही पड़े रहोगे? अगर यहाँ कोई होता तो मैं उससे अपने पैर हटाने के लिए जरूर कह देता।